देख लेते हैं कि इंडोस्पर्म क्या होते हैं। तो मैंने बताया कि इंडोस्पर्म क्या है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है विच डेवलप फ्रॉम ट्रिप्लाइड बॉडी आर प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो मैं वन मेल गैमेट सेकंड मेल गैमेट फ्यूज विद द सेकेंडरी न्यूक्लियाई एंड फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स विच डेवलप एंडोस्पर्म। तो इट इज न्यूट्रिटिव टिश्यू सप्लाई फूड फूड मटेरियल टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑल्सो द सीडलिंगिंग। सीडलिंगिंग प्लांट्स को भी यह नरिशमेंट सप्लाई करता है। अब इंडोस्पर्म के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंडोस्पर्म डिपेंडिंग द मोड ऑफ फॉर्मेशन। द एंजियोस्पर्मिक इंडोस्पर्म इज थ्री टाइप्स। किस पर डिपेंड कर रहा है? फॉर्मेशन के बेस पर इंडोस्पर्म तीन टाइप्स के हो जाते हैं। ठीक है, पहला होता है न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। इसमें देखो, दिस टाइप्स ऑफ इंडोस्पर्म इज फाउंड इन अबाउट 56% ऑफ फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म। 56% जो एंजियोस्पर्मिक की फैमिली है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, उनके अंदर फैमिली मतलब जिसके अंदर प्लांट्स को इंक्लूड करते हैं। जैसे मालवेसी फैमिली में चाइना रोज है, और उसके बाद जैसे सोलेनेसी फैमिली में पोटेटो है, ऐसे तो ऐसी फैमिलीज होती हैं। ठीक है, उनके उनमें भी 56% फैमिली ऐसी हैं जिसके अंदर इस टाइप का एंडोस्पर्म देखा गया है। द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड फ्रीली इंटू लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विदाउट एनी सेल वॉल फॉर्मेशन। प्राइमरी इंडोस्पर्म के न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, उनके आसपास वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा और ये न्यूक्लियस पेरीफेरी पर अरेंज हो जाएंगे। दीज न्यूक्लियाई आर पुश्ड टुवर्ड द पेरीफेरी एंड लार्ज वैक्यूल्स अपीयर इन द सेंटर। और सेंटर में हमको लार्ज वैक्यूल्स दिखाई देगी। लेटर द वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंट्रल। अब फिर वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा कहाँ से? पेरीफेरी से सेंटर की ओर, ऐसे। ठीक है, ये पेरीफेरी पर न्यूक्लियस अरेंज हो जाएंगे, ट्रिप्लाइट बॉडी है, इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, मेनी न्यूक्लियाई आर फॉर्म, दीज न्यूक्लियाई अरेंज ऑन पेरीफेरी एंड वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर। ऐसे वॉल फॉर्मेशन होने लग जाएगा इसमें, इस तरीके से। ठीक है, ये बनाते नहीं है लेकिन ये बता दिया। ठीक है, और सेंट्रल में क्या बन जाएंगी? या वैक्यूल्स बन जाएंगी सेंट्रल में, ऐसे। अल्टीमेटली सेलुलर इंडोस्पर्म इज फॉर्म, एग्जाम्पल कैप्सेला। कैप्सेला नाम के प्लांट्स के अंदर हमको इस टाइप का देखने को मिलता है। कुछ और भी होते हैं, इन सर्टन केस द सेल वॉल फॉर्मेशन रिमेन इनकम्प्लीट। कभी कभी सेल वॉल का फॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो जाएगा, ये हमको देखने को मिलता है कोकोनट में, है ना। द आउटर पार्ट ऑफ द इंडोस्पर्म इज सॉलिड। कोकोनट का आप व्हाइट पोर्शन देखते हो, वह सब इंडोस्पर्म होता है, वह सॉलिड पार्ट होता है, है ना। और जो सेंट्रल में आपको वाटर देखने को मिलता है उसको हम उसको बोलते हैं, ये सॉलिड पार्ट्स को हम कोकोनट मीट बोलते हैं। और जो सेंट्रल में हमको वाटर फॉर्म देखने को मिलता है उसको मिल्की वाटर बोलते हैं या कोकोनट मिल्क बोलते हैं। तो कोकोनट भी इसका अच्छा एग्जांपल है जहां हम इंडोस्पर्म को देख सकते हैं। तो ये अपन ने इंडो न्यूक्लियर इंडोस्पर्म देखा। दूसरा होता है सेलुलर इंडोस्पर्म, इसके अंदर भी यही होगा, ट्रिप्लाइट बॉडी डिवाइड्स होंगे, थ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होगा, और थ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होने के बाद न्यूक्लियस के आसपास वॉल फॉर्मेशन होने लग जाएगा और हर एक न्यूक्लियस फिर डिवाइड होते जाएगा और वॉल फॉर्मेशन करता जाएगा, तो एक सेलुलर मास बन जाता है। इसको हम बोलते हैं सेलुलर इंडोस्पर्म। ये हमको धतूरा के अंदर देखने को मिलता है, पिटूनिया के अंदर देखने को मिलता है, और बालसम और एडॉक्सा के अंदर देखने को मिलता है। इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ देता हूँ। इन दिस टाइप ऑफ इंडोस्पर्म डेवलपमेंट ईच डिविजन ऑफ प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस पीएन सेल के अंदर डिवीजन हो रहा है, फॉलोड बाय द वॉल फॉर्मेशन। तुरंत वॉल फॉर्मेशन भी होता जा रहा है एंड मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर इज फॉर्म, और मल्टी सेलुलर ये स्ट्रक्चर बनता जा रहा है कॉल्ड सेलुलर एंडोस्पर्म। इसको हम सेलुलर एंडोस्पर्म कहेंगे। फ्री न्यूक्लियाई आर नॉट फाउंड इन एनी डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियाई हमको नहीं दिखेगा यहाँ पर, सारे वॉल फॉर्मेशन हो जाएंगे। ठीक है, ये हमको धतूरा के अंदर देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है हेलोवियल इंडोस्पर्म।
हेलोबियल इंडोस्पर्म में इट इज इंटरमीडिएट टाइप्स ऑफ इंडोस्पर्म फॉर्मेशन बिटवीन द न्यूक्लियर एंड सेलुलर टाइप्स ऑफ इंडोस्पर्म। ये सेलुलर इंडोस्पर्म और न्यूक्लियर इंडोस्पर्म का इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। इंटरमीडिएट फॉर्म मतलब क्या होता है कि इनके अंदर वॉल फॉर्मेशन हो जाता है बीच में। देखो द फर्स्ट डिवीजन ऑफ पीएन प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय द वॉल फॉर्मेशन एज ए रिजल्ट टू सेल्स माइक्रोपाइलर एंड चेलेजल आर फॉर्म। ये देखो ये पीएन है, ट्रिप्लाइट बॉडी है, थ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ इसके अंदर और साइमल्टेनियसली वॉल फॉर्मेशन भी हो गया सेंट्रल में, तो दो न्यूक्लियाई बन गए। अब इन दोनों न्यूक्लियाई के अंदर एक चेलेजल एंड पर है और एक माइक्रोपाइल एंड पर है, इनके अंदर फ्री न्यूक्लियाई डिवीजन होगा तो ये इसके भी न्यूक्लियस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, एस सेल के भी न्यूक्लियर माइक्रोपाइल एंड पर भी और चेलेजल एंड पर भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते जा रहे हैं और साइमल्टेनियसली वॉल फॉर्मेशन भी होता जा रहा है। तो सेंट्रल में एक वॉल फॉर्मेशन हो गया और दो टाइप के यहाँ पर सेलुलर बॉडी बन गई, माइक्रोपाइल एंड पर अलग चेलेजल एंड पर, इसलिए हम इसको बोलते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो ये हेलोबियल एंडोस्पर्म इस तरीके से फॉर्म होगा। फिर देख लो फर्दर डेवलपमेंट इन बोथ द सेल ऑकर्स लाइक दैट न्यूक्लियर एंडोस्पर्म दैट इज फ्री न्यूक्लियर स्टेज फॉलोड बाय द वॉल फॉर्मेशन। द सेल्स ऑफ इंडोस्पर्म स्टोर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड मटेरियल। अब इंडोस्पर्म के अंदर क्या होता है, लार्ज अमाउंट में फूड मटेरियल होगा। द इंडोस्पर्म में भी स्टार्ची भी हो सकता है, इसे राइस के अंदर देखने को मिलता है, ऑयली केस्टर के अंदर देखने को मिलता है ऑयली इंडोस्पर्म। फिर कुछ सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स मतलब ग्रेन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं, वीट वगैरह मेज वगैरह। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ इंडोस्पर्म रिच इन प्रोटीन एंड फॉर्म एलुरोन लेयर। हम मेज सीट का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तब ये आपको देखने को मिलेगी कि इंडोस्पर्म की एक लेयर बन जाती है प्रोटीनियस लेयर, उसको हम बोलते हैं एलुरोन लेयर। ऐसे ही कुछ सेवरल सीड्स द इंडोस्पर्म परसिस्ट एंड बिकम प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द सीड। कुछ सीड्स के अंदर इंडोस्पर्म परसिस्टेंट रह जाता है, मतलब डिक्रीज नहीं होता। सच सीड आर कॉल्ड इंडोस्पर्मिक सीड। ऐसे सीड को हम इंडोस्पर्मिक सीड बोल सकते हैं या एल्ब्यूमिनस सीड्स बोल सकते हैं, जैसे सीरियल कैस्टर डेट पाम खजूर के अंदर हमको ऐसे इंडोस्पर्म देखने को मिलते हैं, परसिस्टेंट रहते हैं, जन सीड में बने ही रहते हैं। फिर इन अदर इंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाय द ग्रोइंग एम्ब्रियो। अब इंडोस्पर्म एम्ब्रियो जब डेवलपमेंट होता रहता है तो इंडोस्पर्म पूरा एम्ब्रियो ही उसको ले लेता है फूड के फॉर्म में और कुछ भी इंडोस्पर्म नहीं बचता है सीड के अंदर, तब हम ऐसे सीड को जो है नॉन इंडोस्पर्मिक सीड्स भी कहते हैं। तो ग्रोइंग एम्ब्रियो एंड द फूड रिजर्व गेट स्टोर्ड इन द कॉटिलीडन, और वहां पर फूड कहाँ स्टोर हो जाता है, कॉटिलीडन में। सच सीड डू नॉट पजेसेस इंडोस्पर्म एट मेच्योरिटी एंड आर कॉल्ड नॉन इंडोस्पर्मिक सीड आर एल्ब्यूमिनस सीड, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, इनको हम एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स भी कह सकते हैं। तो इस इंडोस्पर्म के प्रेजेंस अब्सेंस के बेस पे भी सीड दो टाइप के हो गए, एक सीड हो गया इंडोस्पर्मिक सीड और एक हो गया नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। मैच्योर इंडोस्पर्म ऑफ सम सीड्स सच एज एरिका एंड पेसीफ्लोरा, ये प्लांट्स के नाम है इनके याद रखना, एरिका पेसीफ्लोरा, बिकम कॉन्वोलेटेड एंड अनइवन इन इट्स सरफेस काउंटर। इनकी सरफेस अनइवन होगी, कॉन्वोलेटेड होगी मतलब कॉइल्ड होंगी, इट इज कॉल्ड रुमिनेट इंडोस्पर्म, इसको हम रुमिनेट इंडोस्पर्म कह सकते हैं। तो इंडोस्पर्म क्या होता है, इंडोस्पर्म जनरली तीन टाइप के होंगे, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, सेलुलर इंडोस्पर्म और हेलोबियल इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। कैसे डेवलपमेंट होता है इंडोस्पर्म का, ये अभी अपन ने देखा, किससे होता है, ट्रिप्लाइट बॉडी से, थ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बनेगा। फिर अगर सेलुलर इंडोस्पर्म में वॉल फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस होगा
और हेलोवियल एंडोस्पर्म में सेल पहले ट्रिप्लाइट बॉडी पहले दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, माइक्रोपाइल एंड और चेलेजल एंड, और फिर इनके न्यूक्लियस में साइमल्टेनियसली थ्री न्यूक्लियर डिवीजन एंड वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा, तब हम इसको बोलेंगे हेलोवियल एंडोस्पर्म। इम्पॉर्टेंस क्या है एंडोस्पर्म का? द मेन फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसका प्रमुख कार्य क्या हो गया? डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट सप्लाई करना। एंडोस्पर्म प्रोवाइड फूड फॉर सीडलिंग ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के दौरान जो छोटा पौधा बनता है उसको हम सीडलिंग बोलते हैं, है ना, उसको भी नरिशमेंट सप्लाई करता है। लिक्विड एंडोस्पर्म इज फ्यूज इन एम्ब्रियो कल्चर। और हमको एम्ब्रियो का कल्चर करना हो और उससे हमको पता करना हो, उसकी स्टेजेस का डेवलपमेंट देखना हो, ठीक है, तो उसको हम लिक्विड एंडोस्पर्म के अंदर जो हम बोलते हैं कोकोनट मिल्क, उसके अंदर भी कल्चर कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ये हो जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। फिर अपन ने ये देख लिया एंडोस्पर्म, उसके फंक्शन, उसका सिग्निफिकेंस, डबल फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस। अब इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो गया है तब हम देखते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्या देखते हैं? जी